हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ मैंने 10 दिन से पिछले कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। अब यहाँ पे दोस्तों इसका रीज़न ये था कि मैं जो है कॉन्करर पुश कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं जो है लास्ट 6 दिन से कॉन्करर पुश कर रहा था, कर रहा था। और यहाँ पे दोस्तों उसका जो रिजल्ट आया वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों ये वाला जो मैच था ना वो ये था सीजन 18 का पहला मैच मेरा, और वो भी प्लैटिनम 2 लॉबी का। अब प्लैटिनम 2 लॉबी भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लैटिनम 2 लॉबी पे जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे एस पे होते हैं अगर वो पहले दिन पे थे। क्योंकि आपको पता होगा कि एस लॉबी से जितने भी बंदे होते हैं माइनस होके आते हैं प्लैटिनम 2 पे जब भी सीजन का नया स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस बार जो है मैंने सोच रखा था कि मैं भी कॉन्करर पुश करूंगा और मैं जो है हिडन प्लेस पे पहला ही मैच जा रहा था। क्योंकि भाई हिडन प्लेस पे जो है आप काफी अच्छी लूट भी कर सकते हो, साथ में फ्लेयर गन भी मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हिडन प्लेस पे जाने का ये फायदा है कि आप एंड तक तो सर्वाइव करोगे ही, तो आपका प्लस होगा ही। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा पूरा प्लान ये था कि मेरे को ये मैच चिकन डर निकालना है और मेरे को यहाँ पे कॉन्करर पुश करना है, तो भाई मैं जो है हिडन प्लेस की तरफ चल पड़ा। अब देखना यहाँ पे ये होगा कि मैं यहाँ पे चिकन डर निकाल पाता हूँ या नहीं निकाल पाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे साथ में कुछ रैंडम प्लेयर खेल रहे हैं और साथ में नंबर 3 जो है वो मेरा दोस्त है यानी कि मिलर है। तो भाई मैं जो है इसको लेके चल पड़ा। मैंने कहा भाई मिलर डुओ वर्सेस स्क्वाड मैच समझ के चलियो क्योंकि रैंडम प्लेयर का कोई भरोसा नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो रैंडम प्लेयर है वो तो भाई मिलर के साथ उतर रहा था और यहाँ पे दोस्तों मैंने किसी को फॉलो नहीं करा था। मैंने कहा था मिलर तू इनको छोड़ छाड़ के आ जियो और हम दोनों जाएंगे स्पॉन आइलैंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे मैं स्पॉन आइलैंड की तरफ आता हूँ तो भाई यहाँ पे जो स्कैम हो जाता है, यहाँ पे बोट मिलती नहीं है। अब मैंने कहा यहाँ पे बोट नहीं मिलती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहले घर लूटते हैं और यहाँ पे जो है लूटने के बाद जो है यहाँ से स्पॉन जाएंगे ताकि जो है थोड़ी बहुत लूट हो जाए और थोड़ी बहुत हेल्थ हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को उतरते एक पिस्तौल मिल जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे को M16 मिल जाती है, लेवल 1 का बस्ता मिल जाता है, लेवल 1 का कवच भी मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज बात करना चाहूंगा आपसे कि मैं इतने से वीडियो नहीं डाल रहा था, एक और रीजन था भाई मेरा कॉन्करर पुश करते करते ना गला बैठ गया। जी हाँ, मतलब गले की बैंड बज गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों इतने में मेरे को एक स्कार का एल मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास लूट तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो गई थी और मेरे को बम्बा नहीं मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा गले का बैंड बच गया था, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था, वरना ये वीडियो कल ही आ जाती। और भाई मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस हो रहा था कि भाई मैं क्या कर रहा था, इतने दिन से मैं कॉन्करर पुश कर रहा हूँ और आप लोगों को एक भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई इस वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है अब सोचा कि भाई अब वीडियो डालने का टाइम आ चुका है, अब कॉन्करर वॉन्करर बाद में देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दोस्तों आपको इतना ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा जब एक रैंक पुशर लॉबी में आप खेलते हो तो लास्ट में कितने ज्यादा बंदे बचते हैं। हालांकि इस लॉबी में भी बंदे बचेंगे लेकिन मैं स्पॉन जा रहा हूँ तो आप लोगों को इतना देखने को नहीं मिलेगा कि कितने बंदे बच रहे हैं, लेकिन आप देखना लॉबी कितनी देर में खाली होगी। मतलब अभी तक आप देख सकते हो 92 बंदे अलाइव है और मेरी टीम भी पूरी बची हुई है। तो बंदे जो है जल्दी से नहीं मरते हैं। कॉन्करर लॉबी अगर आप खेलोगे, कॉन्करर लॉबी आप खेलोगे या फिर जॉन करन बोल सकते हो, यार हम तो इसको जॉन करन बोलते हैं मजाक मजाक में। ठीक है, तो अगर आप जॉन करन लॉबी खेल रहे हो तो आपको ज्यादा बंदे देखने को मिलेंगे एंड तक, यानी कि लास्ट सर्कल में 40-40 बंदे बच जाते हैं। ठीक है, मतलब जो एकदम रेड जोन देखा है आपने उतने एरिया में 40 बंदे आपने कभी अलाइव देखे हैं। अगर नहीं देखे तो भाई कभी पुश कर लेना कॉन्करर, आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इतने इतने बंदे भी बच रहे थे और मैं जो है एशिया के कितने टॉप तक मैं गया हूँ मतलब स्क्वाड में वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं कहाँ कहाँ तक गया हूँ और मैंने आगे का अपडेट शायद नहीं दिया, लेकिन भाई वो चीज़ मैं आपको यूट्यूब में बताने वाला हूँ। और जितने भी लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराना यार तो फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे को कोई बोट नहीं मिली, कोई गाड़ी नहीं मिली, तो मैं कमलेश की तरफ भागते हुए गाड़ी ढूंढने निकल पड़ता हूँ। अब फाइनली दोस्तों मेरे को गाड़ी मिल जाती है यहाँ पे और भाई उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं निकल जाता हूँ धूम मचाते हुए फटाफट से बोट ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा धूम मचाते मचाते पेट्रोल खत्म हो जाता है लेकिन भाई मुझे बोट नहीं मिलती है क्योंकि भाई बोट पता नहीं आज क्या हो गया था, भाई कोई जगह बोट मिल ही नहीं थी। क्योंकि भाई जहाँ जहाँ बोट मिलते हैं के चांसेस होते हैं ना, मैंने वहाँ देख लिया लेकिन भाई बोट नहीं मिलती है। तो मैं आगे फिर से द्वग्गी से धूम मचाते हुए निकल जाता हूँ बोट ढूंढने। और फाइनली दोस्तों मेरे को यहाँ पे बोट दिख जाती है तो मैं फटाफट से पहले मार्क माई लोकेशन करता हूँ ताकि बोट कहाँ पे है और फिर मैं सोचता हूँ कि भाई अपने दोस्त मिलर को ले जाता हूँ साथ में। क्योंकि भाई यहाँ पे दोस्तों अब मैं सोच रहा था अकेला जाना ठीक नहीं रहेगा, साथ में मिलर को भी ले लेता हूँ क्योंकि काफी सारे बंदे भी यहाँ पे बच रखे थे। अब यहाँ पे दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं ग्लाइडर भी खड़ा था लेकिन भाई मुझे ग्लाइडर से नहीं जाना था क्योंकि भाई ग्लाइडर ले जाने से ना नुकसान भी होंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि भाई ग्लाइडर ले जाने का नुकसान क्या होता है। अब फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस घर में आता हूँ, थोड़ा बहुत लूटा पार्टी करता हूँ क्योंकि भाई थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ
क्योंकि अब लूट करके जाना जरूरी है, क्योंकि क्या पता स्पॉनलैंड में मुझे पेट्रोल मिले ना मिले, क्या मुझे वहां पे हेल्थ मिले ना मिले। तो भाई मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है तकिया वकिया पेप्सी मिरिंडा जो मिल रहा है वो उठा के यहाँ से जाना पड़ेगा, ताकि भाई वहां पे मैं सर्वाइव कर सकूं, क्योंकि अब जोन आने वाला था और अब मैं स्पॉनलैंड जाने वाला था। तो भाई क्या मैं वहां पे सर्वाइव करवा पाऊंगा अपने आपको, तो ये भी एक बहुत बड़े चैलेंज होगा, तो आप देखते रहिए। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक काली डंडी मिल जाती है, जो कि इस कार में मैं लगा लेता हूँ, मतलब इस कार के एल में मैं लगा लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे 500 के बंडल भी मिल रहे थे। अब यहाँ पे ऊजी वूजी पड़ी थी, लेकिन भाई अपने ऊजी वूजी नहीं चाहिए थी, अपने को जो है यहाँ पे हेल्थ चाहिए थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक पेप्सी मिल जाती है और यहाँ पे कुछ पट्टियाँ मिल जाती है, तो भाई मैं उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक गैस कैन भी मिल जाता है लूटते लूटते, तो भाई मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब गैस कैन भी मिल गया है तो भाई ईजी रहेगा, मतलब अगर बोट में पेट्रोल कम हुआ या कुछ भी हुआ तो मैं इजिली यहाँ पे जा सकता हूँ। क्योंकि आपने देखा जहाँ पे मेरे को बोट मिली है ना, वहाँ से स्पॉनलैंड बहुत दूर है, तो मुझे एक पेट्रोल भी चाहिए था, यानी गैस कैन भी चाहिए था। लेकिन भाई लूटते लूटते यहाँ पे मेरे को एक कमलेश मिल जाता है, तो भाई इस कमलेश की मैं पेटी बनाता हूँ फटाफट से, और ये कमलेश मेरे को एक तकिया भी दे जाता है और साथ में एक्सटेंड भी दे जाता है, मतलब क्विक वाला। तो भाई कमलेश सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, मतलब जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो ना वो कमलेश के बाद आपको जरूर मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मैं बग्गी पकड़ता हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरे को अब कुछ और चाहिए नहीं था मेरे को, क्योंकि पेट्रोल जो चाहिए था वो मिल जाता है, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया था अब जाना स्पॉलैंड। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने प्लान कैंसिल करा, मैंने कहा मिलर तू यहीं रुक, तू मेरे लिए गाड़ी वाड़ी रोक लियो, अगर कोई दिक्कत आए या कुछ भी आए तो तू यहीं पे रुकियो, ठीक है। मतलब मैंने सोचा मिलर को ले जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने बाद में फिर से प्लान कैंसिल करा और अब अकेला ही जो है स्पॉलैंड जा रहा था। अब आप देख सकते हैं लॉबी में 50 बंदे बचे हुए हैं, और 50 में से भी मतलब 3 तो मोगे, तो 47 बंदे अलाइव है, और जोन आ रहा है और मैं जा रहा हूँ स्पॉनलैंड। तो क्या मैं सर्वाइव करवा पाऊंगा अपने आपको, तो वो तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फटाफट से दोस्तों मैं धूम मचाते हुए निकल जाता हूँ स्पॉनलैंड की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे स्पॉनलैंड पहुंचता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ यहाँ से जो जोन है भाई वो 2400 मीटर दूर हो चुका है भाई, तो मतलब बहुत ज्यादा मेरे को दूर जाना था वापस। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क लगा रखा था अपनी बग्गी के पास लगा रखा था, क्योंकि भाई मेरे को पता था कि वापस जाते समय मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ने वाली है, तो जहाँ पे मैंने बग्गी खड़ी करी थी मैंने वहीं पे मार्क लगा दिया था, ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना आए। अब फिलहाल दोस्तों जैसे ही मैं स्पॉनलैंड के अंदर आता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे वेक्टर ट्रैक्टर दिखता है और साथ में यहाँ पे तकिया दिखता है, तो मैं तकिया फटाफट से उठाता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों कुछ और काम का नहीं दिखता है इस वाले मतलब कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड कह रहा हूँ शेल्टर वेल्टर में। तो यहाँ से मैं दोस्तों निकल जाता हूँ और नीचे जाता हूँ गुफा की तरफ, जहाँ पे पहले ज़ॉम्बी हुआ करते थे, तो भाई फटाफट से वहाँ चलते हैं। और इन्होंने ना ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, मतलब इसमें भी जो है सामने सामने लूट कर दिया है, बाकी ज़ॉम्बी जहाँ अंदर हुआ करता था वहाँ पे लूट बिल्कुल खत्म कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो लूट है दिखती भी नहीं है आपको, थोड़ा मतलब टच होना पड़ता है डब्बों के पास, तो भाई कई बार आपको स्पॉन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक तकिया मिल जाता है, और तकिए के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं फालतू चीज़ उठा रहा था जो जो मेरे को मतलब दिख रही थी, तो यहाँ पे मैंने एक लाल बिंदु उठा लिया रेड डॉट, क्योंकि भाई मेरे को होलो ज्यादा रेड डॉट ज्यादा पसंद है, लाल बिंदु ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे फालतू जितनी भी चीज़ मिल रही थी ना, मतलब जो भी हेल्थ वेल्थ का सामान गोलियां पोलियां सब उठा रहा, ताकि कुछ मैं अपने टीममेट्स के लिए भी ले जा सकूं। अब यहाँ से दोस्तों मैं फटाफट लूट करता हूँ, और आप देख सकते हैं अभी कितने ज्यादा बंदे अलाइव है, 40 बंदे अलाइव है। और अभी तक मैं स्पॉनलैंड पे होता ना, तो यहाँ पे इतने पता है अगर ये नॉर्मल लॉबी होती है तो कितने बंदे बचते, 30 के आसपास। तो मतलब आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बंदे कम मर रहे हैं, मतलब 30-25 बंदे बचे होते हैं अभी तक। तो अब यहाँ पे दोस्तों मेरी हेल्थ जा रही है, मैंने फटाफट से एक तकिया लगाया और भाई स्वागत ऑन होते ही, मतलब गेट होते ही भाई मेरे को मेरिंडा मिल जाती है। अब यहाँ पे मेरे को एक सुहा भी मिल जाता है, स्कारल मिल जाता, स्कारल की एमओ मिल जाती है, और यहाँ पे M4 द गॉड गन मिल जाती है। तो मैंने कहा भाई अब और क्या चाहिए भाई, स्पॉनलैंड आना सफल हो गया, M4 मिल गई, अब तो मैं चिकन रन निकाल के रहूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं फालतू की जितनी भी चीज़ें अपने बैग से निकाले जा रहा था, और साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सुहा भी लगा लिया था, क्योंकि वो बैग में जगह भी ज्यादा खाता है और साथ में यहाँ पे जो है वो मतलब पूरी टाइम हीलिंग कराता रहेगा मेरे को जब तक मैं स्पॉनलैंड में रहूंगा जोन में, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे तकिए मिल जाते, तो भाई हीलिंग की टेंशन नहीं थी मेरे को, मेरे को पता था मैं सर्वाइव तो कर ही जाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक ही चीज़ का मेरे को इंतजार था कि भाई मुझे फ्लेयर गन कब मिलेगी। फिलहाल दोस्तों फ्लेयर गन तो नहीं मिलती मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाती है एक मेरिंडा, और यहाँ पे मेरे को एक्सटेंड वगैरह मिल जाता है, तो मैं उठा रहा था, मैंने कहा भाई जीएमपी क्या पता मैं कभी एकेएम उठाऊं तो काम आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को मिल जाता है पेन, और यार पेन में भी ना एक चीज़ होगी, अब ऑटोमेटिक नहीं उठता, आपको उठाना पड़ता है, मतलब पहले जो है पेन अपने आप ऑटोमेटिकली उठ जाता था, तो अब आपको पेन उठाना पड़ता है। अगर आपको ऑमलेट बनाना है ना किसी का, तो भाई पहले पेन भी जो है खुद उठाना पड़ेगा, तो पहले जो था ऑटोमेटिकली उठ जाता था, तो आप ऑमलेट आसानी से बना पाते थे सामने वाले का, लेकिन भाई अब जो है आपको पेन उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो लूट कर रहा होता हूँ कि भाई किस तरह यार फ्लेयर गन मिल जाए, फ्लेयर गन मिल जाए, लेकिन यार फ्लेयर गन भी नहीं मिल रही होती, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब
जोन बहुत दूर है और मेरे को जाना भी है, तो भाई फ्लेयर गन मिल जाएगी बस किसी तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को और तकिए मिल रहे थे तो मैं उठाया जा रहा था। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, मेरा जो है बिल्कुल अभी भी जो है गला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो बस मैं किसी भी तरीके से बस बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक दारू की बोतल दिख जाती है, तो मैंने कहा यार ये तो उठाना है, तो मैं इतनी गंदी नहीं दिखा रहा था ना कि दारू की बोतल उठाने के लिए मैंने कुछ ना कुछ इधर उधर फेंका, बैग से निकाला और दारू की बोतल उठा ली और यहाँ पे जो है अपनी लूट जारी रखी। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को लूटते लूटते एक पेन किलर मिल जाती है, यानी कि मिरिंडा मिल जाती है, तो मैं यहाँ पर 7 KM फेंक देता हूँ। भाई मेरे को पता था क्योंकि 7 KM गन ही नहीं है, तो भाई क्या करूँगा 7 KM लिखे, तो भाई मैं अपने यहाँ पे पेन किलर उठाता हूँ, मतलब मिरिंडा उठाता हूँ। मतलब जितनी हो सके ना आपको हेल्थ उठानी जरूरी है, वैसे भी अगर आप कॉन्करर पुश कर रहे हो तो आपके पास जितनी हेल्थ हो सके उतनी होनी जरूरी है, क्योंकि आप हीलिंग बैटल भी हो सकती है या फिर आपको जोन के बारे में बहुत देर तक लड़ना पड़ सकता है। तो भाई इसलिए बता रहा हूँ आपको हीलिंग बहुत ज़्यादा उठा के रखना अगर आप कॉन्करर पुश कर रहे हो। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा दोस्तों यही कह रहा था भाई तू तो मरेगा भाई, तू जोन में नहीं आ रहा है भाई, तू कब तक जोन के बाहर रहेगा, ठीक है। तो मैं तो जोन में आने रहा था और बंदे आप देख सकते हैं अभी भी 28 अलाइव थे और अभी तक हमारे साथ जो रैंडम प्लेयर था वो भी अलाइव था। तो भाई मैंने कहा यार रुक जा यार मिलर अभी आ रहा हूँ भाई, अभी फ्लेयर गन मिलनी बाकी है। तो भाई मैंने बिल्कुल बिल्डिंग में पोछा झाड़ू लगा दिया था, वहाँ पे मेरे को कोई फ्लेयर गन नहीं मिलती है, तो मैं आता हूँ नीचे कंपाउंड की तरफ और इस वाले कंपाउंड में आता हूँ तो भाई मेरे को फिर से हेल्थ वेल्थ मिल जाती है। तो मैंने कहा यार मिलर टेंशन मतलब मेरे पास 6 तकिया है तो मरने वाला तो नहीं हूँ मैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं तकियों से कुछ काम नहीं चलने वाला था, मेरे को और भी चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मैं जो चीज़ ढूंढने आया था फ्लेयर गन, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ढूंढता हूँ, इस साइड आता हूँ और यहाँ पे मेरे को बैंडेज वैंडेज पट्टी वट्टी दिख रही होती है, लेकिन भाई यहाँ पे मेरे को आती है लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 3 का बैग मिल जाता है, लेवल 3 का बस्ता। तो भाई जैसे मेरे को यहाँ पे मिलता है और जैसे मैं इधर आता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे मेरे को मिरिंडा और मिल जाती है। अब सामने मुझे एक एटेक्स भी दिख गया था और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फटाफट से जो है अपना एक तकिया लगा लिया, क्योंकि भाई मेरी हेल्थ जाने को और थी। अब जैसे मैं सामने आता हूँ तो भाई आप देख सकते हैं मुझे क्या मिला, भाई फ्लेयर गन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो मैंने कहा भाई बिलर हो गया काम, अब तो भाई अपना चिकंडर मतलब ठीक है, अब तो भाई फ्लेयर गन चलाएंगे और भाई जो है मतलब चिकंडर करके रहेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी लूट है यार, मतलब लेवल 3 का एक और बैग पड़ा था और कितनी हेल्थ मिल गई है मेरे को। मतलब यार देखो कभी कभी तो हेल्थ नहीं मिलती है, लेकिन अगर लूट मिलती है ना तो भाई भर के लूट मिलती है। तो भाई इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि स्पॉनर बेस्ट एरिया है, मतलब ठीक है, मतलब बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट मतलब एंगल में जो बोलते हैं ना बेस्ट लूट जहाँ मिलती है वो स्पॉनर लैंड ही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको अच्छी लूट कहीं नहीं मिल सकती। आप देख सकते हैं कितने तकिए हैं भाई, मतलब लगता है सारे पबजी में जो एंगल के तकिए ना वो लाके इधर ही डाल दिए। और आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मेरे को मिल चुकी है, मतलब एक अकेले बंदे के लिए तो भाई क्या ही लूट है, मतलब उसका बैग भर जाएगा लेवल 3 का लेकिन भाई लूट खत्म नहीं होगी। तो आपने देखा भी होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है VSS उठा ली, क्योंकि भाई VSS काम आएगी, कहीं से मारूंगा बंदों को पता नहीं चलेगा कहाँ से मार रहा हूँ, काफी साइलेंट गन है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने VSS भी उठा ली थी कि भाई काम आएगी, क्या पता मेरे को ऐसा कुछ मारना पड़ जाए एनिमी जिससे जो है मैं गन की लोकेशन में रह दूँ और मार भी सकूँ। तो भाई इसलिए जो है VSS उठाई मैंने। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक लगाई मिरिंडा, क्योंकि भाई अब जोन में जाना था और आप जोन देख सकते हो भाई कितनी दूर है और बंदे जो है कम नहीं हो रहे भाई, 28 के 28 बचे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगता है आपको, मैं चिकनर निकाल पाऊंगा क्या, मैं फ्लेयर गन भी चला पाऊंगा? तो आप देखते रहिए भाई, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। और अब मेरे को जोन में भी जाना है और आप देख सकते हैं भाई जोन कितनी दूर है भाई, ठीक है आप देख लो भाई। तो सर्वाइवल किंग हूँ भाई मैं, मतलब स्पॉनलैंड का अगर मैं जो बोलते हैं ना सबसे बढ़िया प्लेयर कौन होगा, तो भाई वो आप बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो भाई, सीना चौड़ा करके बोल सकते हो कि गौरव राव बीच से बढ़िया कोई नहीं खेल सकता स्पॉनलैंड अगर वो जाता है तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं फटाफट से बोट उठाता हूँ और फटाफट से धूम मचाते हुए जोन की तरफ निकल जाता हूँ। अब फाइनली दोस्तों मैं धूम मचाते हुए जोन में आ जाता हूँ और आप मेरी हेल्थ देख सकते हैं कितनी कम बची थी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लगाता हूँ पट्टी ताकि ना निकल जाए मेरी टट्टी, क्योंकि भाई पहले बैंडेज लगानी जरूरी है, क्या पता भाई यहाँ पे तकिया लगाता तो सीधा मैं मर भी जाता, मतलब नॉक हो जाता, मिलर बचा लेता। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे तरीका, मतलब मैंने भाई कैसे स्पॉनर से अपने आपको सर्वाइव कराया है। मैंने यहाँ पे जो है मिलर को रेडी रखा था कि भाई मिलर तो गाड़ी लेके आ जाइयो, तो भाई एकदम स्मार्ट तरीके से आपको खेलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बेवकूफ़ी की तरीके से जाओगे स्पॉनर तो भाई आप मर जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने तो अपने दोस्त को पूरा रेडी रखा था कि भाई मिलर मेरे को लेने आ जाइयो। तो हम धूम मचाते हुए फटाफट से जोन की तरफ निकल जाते हैं और आप देख सकते हैं बंदे कम नहीं हो रहे भाई, बंदे 27 बंदे बचे हैं और कितना कम जोन बचा हुआ है, क्योंकि भाई जैसे कि मैंने आपको बताया एक रैंक पुश और लॉबी है। और यहाँ पे इस लॉबी में क्या होता है भाई, सारे के सारे जो है रैंक पुश करने वाले हैं, सारे के सारे अभी इस टाइम पे एस वाले बंदे हैं जो एस तक गए थे लास्ट टाइम। तो भाई यहाँ पे हमें अपनी फ्लेयर गन भी चलानी थी, तो मैंने फटाफट से एक जोन में मार्क लगाया और फटाफट से धूम मचाते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है अपनी हेल्थ लगानी शुरू कर रखी थी, पट्टी लगाई जा रहा था मैं बार बार ताकि ना निकले मेरी टट्टी, लेकिन भाई यहाँ पे मिलर की निकलने वाली थी टट्टी, इसलिए मैंने मिलर को बोला कि भाई अब मैं ड्राइव करता हूँ, तू अपनी हेल्थ लगा ले फटाफट से, मतलब तू लगा ले पट्टी, क्योंकि बग्गी पे चलते चलते तो आपको पता है सर पट्टी लग पाती है।
ना कि बड़ी वाली हेल्थ लग पाती है, तो इसलिए जो है मैंने व्हीलर को बोला भाई मैं चलाता हूँ, अब तू जो है थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ वेल्थ लगा ले। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे को फ्लेयर गन चलानी है, और जोन में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा बंदे बचे हैं। अब फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं सामने हमें एक गाड़ी दिखी, वो जा रही थी और हमें एक दिखी डासी है, तो हम भी इस डासी में बैठे और उनका पीछा करने के लिए निकल पड़े। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं भाई कितने ज्यादा बंदे अभी भी बचे हुए, मतलब छोटा सर्कल है, और ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि अभी एक प्लैटिनम 2 की लॉबी है, मतलब अभी अभी जो है सारे बंदे एज से प्लैटिनम 2 पे आए हैं, तो वो वाली लॉबी लगी हुई है। लेकिन जब मैं आगे जाके आपको एक गेम प्ले दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे गाड़ी ठोकता हूँ फटाफट से, और फटाफट से यहाँ पे लगाता हूँ भाई एक तकिया, क्योंकि भाई जोन काफी ज्यादा हेल्थ खा चुका था, मतलब जोन ने काफी अच्छी पप्पी ले ली थी हमारी। तो मैंने मिलर को बोला भाई कहाँ रुक मत भाई निकल यहाँ से। तो मिलर फटाफट कह रहा कि भाई मैं थोड़ी बहुत पट्टी वट्टी ले रहा हूँ। मैंने कहा ले यार मेरे से ले ले भाई, मैंने गिरा दी। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है फटाफट से निकलते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे हमें बंदे दिख जाते हैं निकलते निकलते, और अब देखना इनको कैसे मारेंगे हम। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाले गाड़ी वाले बंदे हमें दिख ही जाते, तो हम सोचते कि क्यों ना इनको मारे दे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक नॉकआउट कर देता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों इस वाले बंदे को हम फिनिश कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक बंदे को हम फिनिश कर देते हैं, और एक को जो मतलब हमने नॉक कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार एक नॉक एक फिनिश बहुत है, ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब हम लड़ेंगे नहीं। और हमारे नंबर 4 को भाई उसने मार दिया था, तो मैंने कहा भाई फटाफट से मिलर पहले जोन में निकल। और आपको बता दूं अगर आपको कॉन्कर में जो है जीतना है, मतलब कॉन्कर लॉबी में जीतना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोन, आपको जोन का सेंटर पकड़ना है। मैं आपको अभी एक अच्छी टिप दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को जीतना है ना कॉन्कर में, ठीक है, मतलब कॉन्कर लॉबी में, तो आप कोशिश ये करो कि भाई आप जो है एक सेंटर पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि सेंटर आप जितना ज़्यादा पकड़ोगे, मतलब जितना ज़्यादा आप जोन में रहोगे उतना ज़्यादा आपके एडवांटेज है जीतने के फाइट। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आता हूँ सीधा पोचिंकी वाले स्क्वाड हाउस में, यानी पोचिकनी वाले स्क्वाड हाउस में, और भाई पोचिकनी में आते ही मैंने डिसाइड करा मैं चलाऊंगा फ्लेयर गन, और अभी देखना मैं क्या स्कैम करने वाला हूँ, मतलब फ्लेयर गन भी चलाने के बाद मैं क्या करूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने फ्लेयर गन तो चला दी थी और 15 बंदे लाइव थे, तो मेरे को पता था कोई ना कोई जो है यहाँ पे हमारी फ्लेयर गन के लिए आएगा, मतलब ठीक है फ्लेयर गन चले तो बंदे वैसे भी इधर आएंगे, और जोन भी जो है हमारी तरफ ही बनेगा, क्योंकि मैं एक जोन का मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि कहाँ जोन बन सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो हम थोड़ी बहुत मतलब आपस में लूट वूट कर लेते हैं भाई किसको क्या चाहिए, तो मैं मिलर से मांग लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है, और मिलर मेरे को देता है जो मुझे चाहिए होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई मैंने जैसे कि आइडिया लगाया था जोन कहाँ बनेगा, और जोन एकदम यही बनता है जहाँ पे मैं हूँ, यानी कि स्क्वाड हाउस के पास। और अब देखना मतलब क्या करने वाले हैं, मतलब कैसे बंदे मारेंगे और कैसे गेम निकालने वाले हैं, मतलब क्या हम ये चिकन रन करेंगे या फिर हम मरेंगे, वो आपको देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों हमने फ्लेयर गन तो चला दी थी और बंदों का ध्यान भी हमारी तरफ हो गया था, तो भाई एक गाड़ी आ रही होती है हमारी तरफ भाई रश करने के लिए, वो सोचती है हम जो है इनके ऊपर रश करेंगे, लेकिन भाई मैं उनको जब स्प्रे देता हूँ तो भाई वो वापस पीछे हो जाती है। अब वो उनको थोड़े बहुत हिट मैंने दिए थे, तो यहाँ पे दोस्तों वो थोड़ा बहुत डर गए थे, समझ गए थे कि अच्छे प्लेयर है, और उनको ये भी नहीं पता था कि हम सिर्फ यहाँ पे 2 है, उनको लगा भाई पूरी स्क्वाड भी हो सकती है, तो उन्होंने जो अपना फैसला चेंज करा और वो हमारी तरफ नहीं आए। अब यहाँ पे दोस्तों जो है मेरा प्राइवेट ड्रॉप भी आ चुका था, तो भाई मैंने कहा इस प्राइवेट ड्रॉप को मैं लूटूंगा, मिलर तू मुझे कवर दियो। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जो है फटाफट जाता हूँ प्राइवेट ड्रॉप की तरफ और फटाफट लूटने जाता हूँ, और मेरा भाई यही था कि भाई AW यम 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 मिल जाए तो मजा आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे ही आता हूँ तो भाई यहाँ पे MK होती है और MK14 मैं उठा लेता हूँ, जी हाँ, क्योंकि भाई VSS से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया गन है भाई MK14, तो भाई उसको नहीं छोड़ सकता मैं, तो भाई मैंने कहा आज MK14 चलाएगा मैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट से एक चूरन की स्पीड में भागते हुए कमलेश की तरह स्क्वाड हाउस में वापस पहुंच जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं ओपन में था तो भाई कुछ भी हो सकता था। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हेल्थ भाई जितनी ज़्यादा हो सकती है उठा लो, तो मैंने भाई जो हेल्थ दिख रही थी उठा रहा था फालतू में, मैं छोड़ नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है दोस्तों हमारे पास एक अच्छी गन थी, लेवल 3 की लूट थी, तो भाई अब तो हमारा चिकन रन बनना बनता ही है। आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा जोन प्रिडिक्ट करा है, और बंदे आप देख सकते हो अभी भी 12 अलग है। तो मैंने मिलर के लिए थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे हेल्थ वेल्थ छोड़ दी, मैंने कहा मिलर ले ले भाई काम आएगी लास्ट में। अब सामने कुछ बंदे होते हैं तो मैं उनको हिट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई हिट एक हिट लगता है और भाई सामने वाला मुझे बेट देता है, तो भाई फटाफट से यहाँ पे नीचे लेटता हूँ और लगा लेता हूँ यहाँ पे पट्टी ताकि ना निकले मेरी टट्टी। और सामने दोस्तों मेरे को बताते हैं इन लोगों को जोन में आने, तो मैं क्यों छेड़ूँ, तो और अब देखना इनके साथ क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पे भाई 4x लगा लिया M4 में, और अब देखो अब यहाँ पे दोस्तों मिलर जो है नॉक हो जाता है। भाई मैंने कहा यार मिलर ये क्या करते हैं, सुने अब हमारे पर डायरेक्ट रश भी हो सकता है, तो भाई मैंने फटाफट से मिलर को यहाँ पे रिवाइव किया, क्योंकि भाई हमारे पर रश हो उससे पहले जो है भाई इसको फटाफट रिवाइव करना जरूरी है। अब वो बंदे जो है भाई देखो गाड़ी लेके आना शुरू भी हो जाते हैं कि चलो इनके ऊपर रश करते हैं, और अब देखना मैं उनको कैसे रोकता हूँ। अब भाई जब मैंने उनके ऊपर स्प्रे दिया ना, तो भाई वो रुक गए, क्योंकि उनको लगा भाई ये तो मार रहा है हमें, तो भाई वो फटाफट से रुकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके पास रिच होता है तो वो एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वो लोग ना बीड़ी का बंडल चसा देते हैं, मतलब 500 का बंडल फेंक के मारते हैं अपने ऊपर, और मैंने कहा तुम लोग बीड़ी कैसे पी रहे हो, एक तो यहाँ पे जोन इतना छोटा सा बचा है, ऊपर से उसके अंदर तुम बीड़ी पी के हमें बता रहे हो कि हम यहाँ पे बीड़ी पी रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को एक बंदा दिख जाता है स्मोक के वहाँ पे जाके लेट रहा होता है रिज के नीचे।
और उनकी जो थर्ड पार्टी हो जाती है, मतलब कोई और जो इनको पीट देता है वहाँ पे, तो भाई मैंने कहा चलो अब अच्छा मौका मिला उनको मारने का, क्योंकि वो जोन में ही आएंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे बीडी का बंडल खत्म होता है, यानी 500 का बंडल खत्म होता है, तो मैंने सोच लिया था कि अब इनको मारूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है थोड़ा बहुत मेरे को वहाँ पे बुलेट फायर होते दिखते हैं, तो मैं रैंडमली यहाँ पे फायर करता हूँ और थोड़े बहुत हिट लगते हैं, और अब देखना मैं जो है टैप टैप करके मारता हूँ और यहाँ पे बंदा फिनिश। अब बचा था दोस्तों सिर्फ लास्ट बंदा, और अब उसको भी जोन में आना था, और देखो उसको कैसे मारेंगे हम। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जोन मेरा बिल्कुल साथ दे रहा था भाई, मैंने क्योंकि एकदम अच्छा प्रिडिक्ट किया था कि जोन कहाँ पे बनेगा, तो भाई जोन मेरे तरफ था तो इजी चिकन डर हो सकता था। अब यहाँ पे दोस्तों मैं लगाता हूँ एक पेप्सी और सामने मेरे को बंदा दिख जाता है, तो मैंने कहा ले भाई पेप्सी छोड़ो इसको मारो और इजी चिकन डर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और आप देख सकते हैं मेरा कितना प्लस हो तो वो भी आप देख लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।